नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। सो बेसिकली आज की ये वीडियो एक अनाउंसमेंट वीडियो है जिसमें हम आपके लिए एक बहुत खास तोहफा लेके आए हैं, वो है रैंकर्स वोकैब। हमारे चैनल पे मैं लगातार आपको इंग्लिश पढ़ाए जा रहा हूँ, ग्रामर मैंने बहुत सारे टाइम से बहुत सारे बच्चों को, हमारी 60 दिन 60 मैराथन सीरीज जो बहुत पॉपुलर सीरीज है, उसके अलावा हमारी 11 दिन 11 मैराथन की सीरीज भी बहुत पॉपुलर है और 25 दिन 25 मैराथन ऑलरेडी आपकी चल रही है। 25 दिन 25 मैराथन आपकी ऑलरेडी ग्रामर की सीरीज चल रही है। वोकैब के लिए बहुत सारे बच्चों की बहुत डिमांड थी, टेलीग्राम पे वीडियोस के कमेंट में हर बच्चा एक ही चीज मांगे जा रहा है कि वोकैब वोकैब वोकैब। तो आप सब लोगों को खुश हो जाना है, एकदम हंस जाना है, क्योंकि आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं रैंकर्स वोकैब। रैंकर्स वोकैब हम लेके आए हैं। रैंकर्स वोकैब कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, सबसे पहले आप देखेंगे ये एक फ्री वोकैब बैच है, ये कंप्लीट बैच होगा, यानी कि अगर आपने रैंकर्स वोकैब को कंप्लीट किया है तो आपको कहीं से कोई भी दूसरे चैनल से, दूसरी बुक से, कहीं से भी आपको वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपकी वोकैब लगातार हम पूरी करा देंगे, एक भी वर्ड आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने सारी वीडियोस को देख के अगर वोकैब को प्रॉपर रिवीजन के साथ में आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं तो आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे वोकैब का गारंटी के साथ में, चाहे वो स्पेलिंग का हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, कोई भी हो, आप कर पाओगे। कहाँ होगी ये सीरीज? ऑन यूट्यूब। फ्री बैच है, फ्री वोकैब बैच है, इसीलिए इसको बैच नाम दिया गया है क्योंकि ये कंप्लीट बैच है, इसमें कंप्लीट चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, कंप्लीट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ये कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है। कब होगा, कैसे कैसे होगा, ये देखते हैं एक बार। टाइमिंग जो इसकी रहेगी वो रहेगी 10:15 AM, यानी कि मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, जिसमें 10:15 पे आपकी क्लास हुआ करेगी डेली 10:15। 10:15 आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको लाइव क्लास लेनी है। लाइव क्लास क्यों लेनी है, इसका भी रीजन मैं आपको दूंगा। कब हो रहा है जी स्टार्ट ये बैच? अगस्त 1, 2022, यानी कि मंडे से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मंडे से ये बैच स्टार्ट है, सबको लाइव आना है, सबके लिए फ्री है। जो बच्चे हमारे बैचेज में अफोर्ड इतना नहीं कर पाते हैं, मैं बहुत दिन से चाहता था कि उन बच्चों के लिए कुछ खास किया जाए, कुछ खास किया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वैसे हमारे बैचेज की फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, लेकिन उसके बाद भी एक तबका ऐसा रह जाता है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, नहीं दे सकता है, एक पैसे का भी खर्चा नहीं कर सकता है। उस बच्चे के लिए, उस बच्चे की रेगुलर क्लास हो पाए, उस बच्चे को रेगुलर चीज़ें मिल पाएँ, और उसके अलावा जो बच्चे बैचेज में भी हैं उनके लिए एक लगातार वोकैब मिल पाए, डेली उनका एक शेड्यूल बन जाए कि 10:15 तो वोकैब ही पढ़ेंगे। तो आपको तो आज से अपने शेड्यूल में ये मॉडिफिकेशन कर लेना है। 10:15 अब तक आप कुछ भी पढ़ते थे, आज से नेक्स्ट डे से आपका आप सिर्फ और सिर्फ वोकैब पढ़ोगे। कहां मिलेगी? रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपको ये वोकैब की सीरीज मिलेगी। कहां पे? रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा और कहीं भी आपको ये नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से चलेगी, मैं आपको ये बता देता हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी कि कैसे सर, प्रैक्टिस कैसे कराओगे? प्रैक्टिस बच्चा ऐसे कराएंगे कि जैसे क्लास जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक शब्द को बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या देंगे, पहले वर्ड होगा, उसका मीनिंग होगा, मीनिंग दोनों में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, यानी कि हिंदी मीनिंग हमारी समझ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्राउड ऐसा है जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती है ढंग से, तो उनके लिए हिंदी मीनिंग भी है, और क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश मीनिंग ही अल्टीमेटली आपके काम आने वाला है, इसीलिए इंग्लिश मीनिंग को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। साथ साथ में हर वर्ड के आपके सिनोनिम भी मिलेंगे और एंटोनिम भी मिलेंगे, और उस शब्द के यूसेज दिखाए जाएंगे, साथ में आपको फोटोज लगा के उस वर्ड को मेमोराइज कराया जाएगा। आपकी कंप्लीट क्लास होगी ये, कंप्लीट क्लास, जैसी क्लास आपको पेड बैचेस में भी नहीं मिलती है वैसी एक क्लास होगी वोकैब की। तो कंप्लीट आपकी क्लास होगी। प्रैक्टिस में सर क्या क्या कराएंगे? प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, जो वर्ड्स हमने पढ़े उन्हीं वर्ड्स को, जो वर्ड्स हमने पढ़े उन्हीं वर्ड्स को हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे, क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के होंगे, क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के होंगे, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होंगे। मैं सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम पे ही आपको नहीं काम करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप क्लोज टेस्ट में वोकैब को कैसे यूज़ करना है ये सीख पाएँ, आप फिल इन द ब्लैंक्स में वोकैब को लगा पाएँ, इवन एरर डिटेक्शन में आप वोकैब का यूज़ कैसे करना है ये समझ पाएँ। इसीलिए प्रैक्टिस डेली होगी, जिस दिन क्लास होगी उस दिन प्रैक्टिस भी होगी, सिर्फ पढ़ाके पल्ला नहीं झाड़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। सारे के सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, हर क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे, हर क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया जाएगा।
किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं एक बार और डिटेल में। स्पेलिंग्स हम पढ़ेंगे, स्पेलिंग करेक्शन पे पूरा काम कराया जाएगा क्योंकि ये बच्चों का बहुत ही वीक पॉइंट होता है, ज़्यादातर बच्चे इसमें मात खाते हैं। इसकी इतनी प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे कि हमारी क्लास के बाहर SSC वर्ड पूछ ही ना पाए स्पेलिंग का, इतनी प्रैक्टिस। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, ये वो चीज़ें हैं जो सब एग्जाम में आती ही आती हैं। उसके अलावा हम होमोनिम्स भी पढ़ेंगे, होमोफोन्स पढ़ेंगे, हम वो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे क्योंकि SSC CHSL का जो लेटेस्ट पेपर था उसमें होमोनिम्स आए हुए थे। हम कनोटेशन पढ़ेंगे, डिनोटेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें आजकल एग्जाम में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा इनकी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी ज़रूरत होती है, तो ये सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा किस किस तरीके से वोकैब पढ़ेंगे, देखो हम शुरुआत करेंगे, हमारी जो मंडे की क्लास होगी थीम बेस्ड वोकैब। थीम बेस्ड वोकैब से सर क्या मतलब होता है, यानी कि एक हमने थीम उठा ली, भाई आज हम ऐसे एडजेक्टिव पढ़ेंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। वैसे वर्ड पढ़े, सारे वर्ड एक जैसे से होते हैं वो पढ़े, उनका मीनिंग में क्या डिफरेंस है, छोटे छोटे वो डिफरेंसेस समझे, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज की बातें क्लियर। उसके अलावा बस एक बार रिवीजन कर लेना आप घर जाके और आपकी वोकैब तैयार। उसके अलावा हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, प्रीफिक्स पढ़ेंगे, सफिक्स पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम। रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, जितने ग्रीक रूट वर्ड्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, बाकी के रूट वर्ड्स भी हम सारे के सारे पढ़ेंगे। और मेरे रूट वर्ड्स का मतलब वो नहीं है कि लॉजी और ये सब मैं पढ़ा के छोड़ दूँ, लॉजी फोबिया ये चार रूट वर्ड्स पढ़ा दें, वो नहीं, एक एक वर्ड को समझाया जाएगा कि बना कैसे है। उसके अलावा ये जो नॉर्मली भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे इनमें हम क्या करेंगे, आपको ओरिजिन बताएंगे वर्ड का क्या है, ओरिजिन क्या रहा है, हर वर्ड में हम आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है आखिरकार, ठीक है। उसके अलावा स्टोरी बेस्ड वोकैब होगी, एक कहानी आपको दे दी जाएगी जिससे कि आपका रीडिंग का पार्ट स्ट्रांग होगा, समझ रहे हैं, एक कहानी हम आपको समझाएंगे, उस कहानी से वोकैब निकालेंगे, उससे आपकी वोकैब तो अच्छी होगी होगी, रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा कर पाओगे, तो उसके लिए हम स्टोरी बेस्ड वोकैब भी लेके आएंगे, आपके लिए कहानियाँ भी होंगी। उसके अलावा एडिटोरियल बेस्ड भी होगा, आप तो सर एडिटोरियल भी कराने वाले हो, देखो हर दिन एडिटोरियल नहीं होगा, हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, ये जो वोकैब है की सीरीज है, इस वोकैब की सीरीज में एक और गिफ्ट इंक्लूडेड है, वो गिफ्ट है एक्सप्लेनर। जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं जिनमें बड़ी जबरदस्त जबरदस्त न्यूज़ आती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, जितनी भी चर्चित न्यूज़ होंगी, हम उन न्यूज़ का करेंगे एनालिसिस, यानी हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक एक्सप्लेनर, जो भी करंट मुद्दे हैं, जैसे आज की डेट में बड़ा मुद्दा चल रहा है कि राष्ट्रपति का नाम निकला कहां से, राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही है कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जो हमारे न्यूली सेलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनको राष्ट्रपत्नी बोल दिया, जिसके लिए उनको रिटन में सॉरी भी बोलना पड़ा। तो ऐसे मुद्दे, इनमें क्या रहता है क्या नहीं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ऐसे मुद्दों पे हम एडिटोरियल्स उठाएंगे, उस एडिटोरियल से हम क्या करेंगे, आपको वो मुद्दा पूरा समझाएंगे, साथ साथ में उसी एडिटोरियल से आपको वोकैब पढ़ाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ये हम करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली ऑन रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा RC बेस्ड, RC सर क्या होता है, RC क्या हो गया, RC का मतलब है बच्चा यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम कई बार ऐसा भी करेंगे आपका कि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके लिए लेके आएंगे, उसमें से आपको 10-15 वर्ड निकाल के बड़े ढंग से समझाएंगे, सिखा देंगे, और उस पर जो क्वेश्चन होंगे वो वोकैब के क्वेश्चन हों या ना हो, होंगे रखेंगे वोकैब के भी क्वेश्चन, लेकिन साथ साथ में RC वाले क्वेश्चन रखेंगे, यानी आपको वोकैब तो पढ़ाई पढ़ाई, साथ साथ में इस RC को आप डिकोड कैसे कर सकते थे, इसकी थीम क्या बनेगी, इसमें से 5 क्वेश्चन दे दिए जो पेपर में जिस तरीके से आते हैं वैसे क्वेश्चंस, यानी कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। उसके अलावा क्लोज टेस्ट बेस्ड भी हम कराएंगे, एक क्लोज टेस्ट दे दिया, वो क्लोज टेस्ट सॉल्व कराते कराते आपको हमने 20 वर्ड नए पढ़ा दिए, ऐसे भी वोकैब को हम पढ़ेंगे। साथ साथ में नेमोनिक्स जो हमारे होते हैं उनको भी हम देखेंगे कि नेमोनिक्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से, और किन किन नेमोनिक्स से हमें बचना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा नेमोनिक्स के अंदर घुस जाता है कि खुद उसको नहीं समझ आता है कि नेमोनिक क्या है और वर्ड क्या है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपको अवॉइड करनी है ये चीज़ें, वो सब चीज़ें भी, क्योंकि क्लास रेगुलर होगी और डेली सिर्फ वोकैब होगी, उस क्लास में ग्रामर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वोकैब होगी, इसीलिए हम एक्सक्लूसिवली फोकस कर पाएंगे हर चीज़ पे, एक एक छोटे छोटे पहलू पे, ठीक है।
और साथ साथ में पिक्चर्स लगा के आपको वोकैब को समझाया भी जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये 10-15 पे आपकी क्लास है, आप फिर ग्रामर नहीं पढ़ाओगे क्या? आपसे बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट आया है तो जो हमारी ग्रामर की क्लासेज हैं, ठीक है, ग्रामर की जो क्लासेज हैं इंग्लिश की, वो रेगुलर चलेंगी 5:30 PM। 5:30 PM पे आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मेरे द्वारा चलेंगी, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। तो आपको अब से इंग्लिश की यूट्यूब पे फ्री बच्चों को 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें इवनिंग में आपको ग्रामर पढ़ने को मिलेगी और मॉर्निंग में वोकैब पढ़ने को मिलेगी, जिससे कि हम इवनिंग वाली क्लास में वोकैब को ना डालें और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। मॉर्निंग में हम ग्रामर नहीं डालेंगे, जिससे कि हम वोकैब पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बैच आप लोगों के लिए है। सारे लोगों को, चाहे बैच के बच्चे हैं, चाहे आप बैच नहीं खरीदा है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC का कोई एग्ज़ाम है, CGLSE, HSLSE, POI, STENO है, कोई भी है, या बैंक का कोई एग्ज़ाम है, या फिर आपका कोई भी CDS वगैरह का एग्ज़ाम है, UPSC का कोई एग्ज़ाम है, ऐसे में आप सबको लाइव रहना है। लाइव कब रहना है? बी लाइव एट 10:15 AM, 10:15, 1 अगस्त 2022 को आपको लाइव रहना है, ठीक है। 1 अगस्त 2022 आपको बिल्कुल लाइव रहना है। हर बच्चा लाइव देखेगा। लाइव देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एक्सरसाइज कराई जाएगी ना बच्चा, वो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाने की जो आर्ट है वो आप वहाँ पे सीखोगे। सारे लोग लाइव रहेंगे। एक छोटी सी लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी की खबर आप लोगों के लिए थी जो मैं आप लोगों तक लेके आया। इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाएं। जिस बच्चे ने SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उस हर बच्चे के पास में ये वीडियो जानी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर बच्चे को बताएं कि हमारे चैनल पे अब से वोकैब डेली होगी, डेली वोकैब होगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और सीखना है वोकैब में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें ये चाहिए और ये चीज़ें हम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस के लिए मैं हमेशा ओपन रहता हूँ। एज यू नो, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ सजेशंस देते रहें, ठीक है। तो और आप इस खबर को लेके कितने एक्साइटेड हैं, वोकैब की वीडियो को लेके कितने एक्साइटेड हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो एक बार हमें भी दिखे कि आप कितने एक्साइटेड हैं। तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक ठोकते रहना एकदम, क्योंकि हमने इतने बिजी शेड्यूल से आपके लिए फ्री वोकैब का निकाला है। तो आप लोगों का बनता है कि लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। सारे लोग लाइक और शेयर करेंगे ज़रूर वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।